तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो फाइनली सीजन रीसेट होने वाला है, नया आरपी आने वाला है, तो कल बहुत कुछ होने वाला है। कल ही होने वाला है ना, वेल क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी तो हो गई। वेल आप लोग कमेंट सेक्शन मेरे को ये बताओ में से कितने लोग हो जो इस सीजन रैंक पुश करने वाले हो और कितने ऐसे लोग हो जो इस सीजन आरपी नहीं खरीदने वाले हो। मैं पता नहीं क्या ही पूछने वाला था, बट चलो इसी के आंसर दे दो। वेल जो भी हो, यहाँ पर मैंने क्लच करा, मीत को बचाया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे चारों तरफ से फुटस्टेप और गोलियों की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बड़ा कांपते कांपते मीत को इधर रिवाइव दे रहा था। अब देखो यहाँ पर मैंने मीत को रिवाइव दिया, उसके बाद देखो आसपास फायरिंग हो रही थी, तो मेरे को पता था मेरे को किधर जाना है। अब मैंने इसको नॉक करा, पीछे से कोई M16 चला रहा था, वो जंगलों के पीछे था, तो मैंने उसे इग्नोर करा, बट इधर SKS वाले ने मीत को नॉक कर दिया। अब यहाँ हो गई मेरी लाल, तो मैं क्या उसको ठोक लूं। भाई 6 गोली बच रही थी, हेड लग गया। अब देखो मेरे पास सिर्फ एक गोली है AK में और शॉटगन में गोलियां हैं, और तुमको पता है शॉटगन के साथ तुम्हारे भाई का इतिहास। तो चलो चलो भैया इधर पैसे लगाओ, बताओ फारूक जीतेगा या सामने वाला। मेरी किस्मत वाकई अच्छी थी कि इसके पास SKS थी। वेल जो भी हमें ओपन में रिवाइव दे रहा था, और तभी मेरे को साइड से फुटस्टेप आने लगे। अब मैंने मीत को रिवाइव दिया और सीधा करा इस बंदे के ऊपर पुश, क्योंकि इसने हम पे पुश नहीं करा। बेचारे को अभी अभी गन मिली थी और ये निपट गया। अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पास कुछ है नहीं या फिर क्रेड ग्लिच है, क्योंकि मेरे के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेरी उजी में गोलियाँ नहीं थी। तो यहाँ पर मीत ने मेरे को थोड़ी सी गोलियाँ दी, जिनसे मेरे को काम करना था। बंदा सामने। अब इससे मेरे को बैरल मिली, लेकिन बैरल में गोली नहीं थी, तो मेरे को फिर से शॉटगन ही उठानी पड़ गई। अब देखो ब्रिज के ऊपर तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक बंदा भाग रहा था। पहले मेरे को लगा शायद बॉट है, फिर मैंने जूम करके देखा तो बंदा था, तो मैंने फायर किया। आपने देखा है, एक गोली मारी मैंने, मतलब एक तो मेरी ऐसे ही जली पड़ी है कि एक गोली से वो किल मेरे को नहीं मिली, और ये बंदा मेरे को एक्साइटेड होके बता भी रहा है तो किल चोर गया। आपने बोला डैमेज दिए। अब यहाँ पर भाई मेरे को लग रहा था कि कोई नहीं बच रहा है, मैं तो ओपन में लूट रहा था, और तभी चली भाई मोसिन का नेट। अब मुझे पता था बंदे इसी बिल्डिंग के अंदर है, कितने हैं ये नहीं पता था। अरे आ ही तो गया हूँ, रिलोड करके आ जाते हैं। ओ भाई इनको मार के हमको गजब की लूट मिल गई थी, M4, मोसिन नेट, 8x, तो मैं तो बड़ा खुश था। 8x नहीं मिला था अभी। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखो फायरिंग हुई। अब फायरिंग जो हो रही थी वो बॉट फायर हो रही थी, तो मैं जान गया कि ये बॉट तो नहीं है, और तभी वो बंदा मेरे को पीक लेते हुए दिख भी गया, बट ये मेरे को देख के भाग गया। तो मैं इधर आया और मेरे को 8x मिल गया, मैं एकदम खुश। मैंने कहा मीत रुक, इसको ठोकता हूँ। यार नॉक कर दिया था मैंने उसे, बट ये विक्टर यार। वेल जो भी हो, इस विक्टर ने हाई IQ तो नहीं लगाया, बट इसका लक बड़ा ज़्यादा हाई था इधर, क्योंकि एक तो M16 से इसने मेरे को मारा, वो भी हेडशॉट बढ़ गए। थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता ना तो घूम के हेडशॉट उसको भी रखता। अब क्या ही कर सकते थे, विक्टर भाई ने तो हमारा गेम प्ले खराब कर दिया था। तो याला गेम प्ले देखो, उसमें चिकन नहीं है तो क्या हुआ, इसमें निकालेंगे जरूर चिकन। लेकिन हायर किस्मत, जब उतरे तो मिलिट्री में कोई आया है नहीं। वेल हम भी छुप के बैठने वाले तो थे नहीं, तो हमने उठाई बग्गी। अरे बिल्कुल, उसमें से बचा हुआ खा भी सकते हो। फाइनली हमको बंदे मिले भी तो कहाँ, यहाँ। अब देखो यहाँ पर मैंने दो नॉक कर दिए थे और मीत नॉक हो गया था पहाड़ी से, तो मेरे को उनको देखना था क्योंकि मीत को रिवाइव करने के लिए उसे मेरे तक आना था और मेरे पास कोई स्मोक नहीं थे। आ जाओ अब यहाँ पर मैंने एक नॉक निकाला, तो फाइनली ये एक अपॉर्चुनिटी थी मीत की कि किसी तरीके से वो रिस्क उठाए, क्रॉल करता हुआ मेरे तक आए। अब यहाँ पर मीत किसी तरीके से दीवार के पीछे आ गया तो मैंने इसको रिवाइव दे लिया। अब बारी थी इन बंदों को ठोकने की, लेकिन वहां पर हुआ था रश और इस स्क्वाड ने उनको ठोक दिया था, तो वहां पर दो दो गाड़ियां भी उनके पास आ गई थी। अब हम सोचे थे कि वो हम पे पुश करेंगे बट ये तो हट ही नहीं रहते वहाँ से, तो मैंने इसको टपली बजाई। वहाँ पर और भी बंदे घूम रहे थे, सबको थोड़ा थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की। अब देखो इस पॉइंट पे मेरा दिमाग टोटली खराब होने लगा था, तो यहाँ पर मैंने मीत से बोला भाई बहुत हुआ, मैंने उठाई इनके सामने से बग्गी। इन्होंने भले ही पंचर कर रखा था आगे के टायर, लेकिन बग्गी ने अपना काम कर दिया है। अब ये लोग भाग के चले गए थे स्क्वाड हाउस में और हम रह गए थे ओपन में, लेकिन दबेंगे तो हम है नहीं। ये यार मेरे को तो लगा था स्क्वाड ही वाइप हो गई, लेकिन पता नहीं ये बंदा 1 HP में कैसे बच गया था। well, जो भी हो इन सबको निपटा दिया। उसके बाद हमको और बंदों को ढूंढना था, तो हम रिकॉल टावर टू रिकॉल टावर भटक रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली किस्मत पलटी हमारी। पहले आप अबे भाई 6x यार, मैंने वहां से जब 6x उठाया ना उस स्क्वाड को मार के, मैं उसको 3x बनाना भूल गया। यहाँ पर एकदम से उसके ऊपर यार 6x खुल गया, तो मैं तो जूम इन देख के ही घबरा गया था। उसके बाद जब रिकॉल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तब समझ गया क्या हुआ है मेरे साथ। वेल जो भी हो यहाँ पर एक बंदे को मैंने फिर भी नॉक कराया, एक को मीत ने नॉक करा, उनके बाकी बंदे कहाँ थे हमें पता नहीं। तो हम उन बंदों को ढूंढने लगे, हमको बंदे मिले लेकिन थोड़ा सा दूर। ना सूखा खा भी रहा हूँ। अब देखो इस पॉइंट पे मेरे को हल्का सा लगा कि कहीं फायरिंग हुई है, मेरे को सिर्फ हल्की सी धमक सी आई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी उस डायरेक्शन में। अब मीत को तभी यहाँ पर फायरिंग सुनाई दी, मैप पे मार्क आ गया, तो कंफर्म हो गया कि बंदे तो इधर ही हैं, बॉट नहीं है। रियूले इधर इस तरफ। अरे यार मार्क नहीं हो रहा भाई, पीछे वाले ने बचा लिया। असल में पेट्रोल पंप पे एक बंदा था जिसने इस बंदे को मार दिया और ये तो हमको दिख भी नहीं रहा था। well, जो भी हो मैं यहाँ पर हेल्थ लगा रहा था और वो बंदा ओपन में नाच रहा था और उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने एक स्मोक डाल दिया। अरे मुझे तो देखा था ना। अब ये स्मोक खुलते ही मैं और मीत एकदम खुश हो गए। हमने कहा यार ये तो हमारे लिए कवर बन गया पुश करने के लिए, तो अब हम रुकने वाले थे नहीं, अब तो चढ़ के मारेंगे। आओ जी उतरे अंदर है, आ जाइए। अरे दौड़ो क्या, तो मैं मजे ले रहा था भाई के, लेकिन भाई तो गर्मा गए यार। अरे पुष्पा तो यहाँ पर हमको ना चाहते हुए भी इनको बचाना पड़ गया। उसके बाद हम अपनी फट्टी बग्गी में जा ही रहे थे कि मेरे को बंदा दिख गया एक। अच्छा ये रश करते हैं। अब यहाँ पर मीत ने उसके हेड बजा दिया था तो उसकी फट गई। अब मैं जानता था कि उसे अपने टीममेट को रिवाइव देना है, तो मैं तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। अरे अंदाजा, अरे हेड मारा था मैं उसको। तो इजी चिकन डिनर। वाह